तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल एक स्पॉट से रहा। तो गाइज, बहुत दिनों से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था। आप लोग भी पूछ रहे थे कि भाई इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो यार, अभी हम लोग का थोड़ा फेस्टिवल भी था, मतलब कि दिवाली और यहाँ पे छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, तो वो तो ठीक है। और थोड़ा मतलब होता है ना, मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, उस टाइप का भी हो रहा था कि ज़्यादा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि पहले से एक स्ट्राइक पड़ा हुआ है चैनल पर। लेकिन अब से रेगुलर आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई बेस्ट वन टैप टेक्निक के बारे में, जिस पे आप लोगों को हर एक रेंज में आप लोग मार पाओगे, किसी भी रेंज में इजीली वन टैप मार पाओगे। और गाइस, ये वीडियो मोबाइल प्लेयर और पीसी प्लेयर दोनों के लिए है, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। पूरा एंड तक अगर वीडियो देखोगे तो भाई आप भी बन जाओगे एक प्रो प्लेयर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस देखो यार, आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि सेरा भाई मेरा वन टैप बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि भाई मेरा बस शॉर्ट रेंज में अच्छा खासा वन टैप लगता है, बाकी लॉन्ग रेंज में रिकॉयल मार जाता है, मतलब कि वन टैप तो मारता हूँ लेकिन हेड के ऊपर गोली चला जाता है। तो देखो यार, अभी के टाइम पर अगर आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट वन टैप खेलना है तो देखो आप लोग क्लासी भाई के जैसा सेंसी रख सकते हो, या फिर देखो मैं आप लोग को सिंपली बता दे रहा हूँ कि आप लोग उतना हाई सेंसी मत रखो मेरे भाई। अगर हाई सेंसी आप लोग रखोगे तो आप लोग सिर्फ शॉर्ट रेंज में परफेक्ट वन टैप दे पाओगे, लेकिन अगर आप लोग एक मिड टाइप का या फिर लो टाइप का मेरे जैसा सेंसी रखोगे तो आप लोग हर एक रेंज में वन टैप मार पाओगे। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा शॉर्ट रेंज में ज्यादा ड्रैग करने का। बस शॉर्ट रेंज में ज्यादा ड्रैग करने का प्रैक्टिस आप लोगों का अगर हो गया तो समझो यार आप लोग इजीली मार पाओगे। और हाँ, जॉयस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोगों को हमेशा वन टैप मारने से पहले अगर आप लोग सीख रहे हो तो जॉयस्टिक का ज्यादा से ज्यादा यूज करो। देखो यार, वन टैप अगर आप लोग खेल रहे हो तो पहले मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि सामने वाला जो आपका एनिमी है वो फर्स्ट फायर करे। फर्स्ट फायर के बाद से उसका करेक्टर थोड़ा देर के लिए स्टेबल हो जाएगा और आप लोग उस टाइम पे जॉयस्टिक पकड़े रहोगे और तुरंत वन टैप जाएगा उसके ऊपर, तुरंत कनेक्ट होगा और 100% कनेक्ट होगा। कुछ चांस में मिस हो जाएगा अगर आपका सेंसी खराब रहेगा तो सेंसी भी बनाना पड़ेगा आपको वन टैप के रिलेटेड, मतलब अच्छा खासा सेंसी करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सेंसी परफेक्ट कर लोगे तो आप लोग का तुरंत वन टैप लगने लगेगा, नहीं मेरे भाई, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि फेयर खेल के ओनली वन टैप मारने के लिए भाई आपको बहुत ज्यादा मतलब कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा बात जो है, आपको हमेशा स्ट्रेटेजी को और हर एक मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट जो टेक्निक बड़े बड़े प्लेयर यूज करते हैं वो सभी टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा, उसी तरीके से आप लोगों को खेलना पड़ेगा। आप लोग अगर गलती करोगे तो आप लोग का वन टैप मिस होगा और सामने वाले तुरंत मतलब कि वन टैप मार देगा, तो भाई वो चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलो मैं भी आप लोगों को अपना एक गेम प्ले क्लिप दिखाता हूं और आप लोग उसमें ध्यान से देखना कि हाँ मैं किस टाइप से खेल रहा हूं। सबसे पहले आप लोग मेरा टेक्निक देखो यहां पे, और उसके बाद मैं आप लोगों को टोटल स्लो मोशन में अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा कि हाँ आप लोगों को क्या गलती नहीं करना चाहिए। इस वाले क्लिप में मैंने जानबूझ के एक दो गलतियां भी किया है ताकि मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊं। और यहाँ पे आप लोग देख लो मैं कि जो यहाँ पे मतलब एक ट्रेनिंग ग्राउंड का छोटा सा क्लिप है, तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मेरे जॉयस्टिक को देखो या फिर मेरे डिले को देखो और सामने वाले बंदे को भी देखो कि हाँ मैं मतलब कि क्या कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखो और उसके बाद से आप लोगों को चलो अभी मैं स्लो मोशन में करके आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ इसी सेम क्लिप को बिल्कुल स्लो मोशन में करके। देखो मैं यहाँ पे इसको चालू कर देता हूँ और आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे अभी मतलब यहाँ पे स्पॉन हुआ हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखो क्या होता है। जैसे कि सामने जो बंदा आ रहा है वो मेरे को देखता है और जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ और यहाँ पे तुरंत ये फायर करने का सोचता है सामने वाला बंदा, तो ये स्टेबल मिल जाता है और मैं तुरंत इसको दे देता हूँ। ये तो हो गया एक नॉर्मल, और दूसरा भी जो मैं मारा हूँ, अब देखो यहाँ पे मेरा मतलब कि क्यों नहीं लगा, जो दूसरा बंदा वहाँ पे उतना दूर में वो बंदा मेरे को बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया मारने का, फिर मेरे को देखा भी नहीं, इसीलिए वो बंदा अपना मूवमेंट में था तो वहाँ पे थोड़ा मेरा मिस हो गया। देखो यहाँ पे दूर में बंदा है, मैंने फायर किया, तो अगर वो थोड़ा सा भी ट्राई किया रहता मेरे को मारने का या फिर थोड़ा सा भी वो स्टेबल रहता मतलब कुछ सेकंड के मिली सेकंड के लिए भी, तो बिल्कुल इजीली मेरा हेड लग जाता। तो यहाँ पे देखो वो बच जाता है, फिर यहाँ पे बगल में एक बंदा आता है मतलब कि भागते हुए, मतलब ये तो भागते हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पे ये भागते हुआ आ रहा है और इसको बिल्कुल इजीली लग गया। तो ये तो नॉर्मल क्लिप है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो जी, ये वो बंदा वहाँ पे बचा हुआ था वो इधर आया और यहाँ पे मेरे को बहुत बढ़िया चांस मिला था, मतलब कि जंप था, ये बंदा मतलब कि जंप किया था, इजिली वन टैप मार देता मैं, लेकिन इस टाइम पर मैं गन स्विच कर रहा था। तो देखो यहाँ पे जंप करके बंदा नीचे आता तो जॉयस्टिक पकड़ लेता है, तो देखो जॉयस्टिक का परफेक्ट यूज करना मतलब अगर आप लोग करो तो भाई आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखो उधर बंदा है, मैं उधर इसी तरह एक गोली फायर करता हूँ, तो अभी बंदा जॉयस्टिक पकड़ा हुआ है, तो अगर मैं स्टेबल खड़ा रहूंगा तो इसका आराम से हेड लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं भी थोड़ा देर के लिए जॉयस्टिक पकड़ूंगा इसको,
और देखो जैसे कि मैं भी थोड़ा देर के लिए पकड़ा हुआ जोस्टिक ताकि ये मेरे को रेड नंबर ना दे पाए, और जैसे ही मेरे को स्टेबल मिलेगा मैं इसको तुरंत वन टैप मार दूंगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टेबल मिल गया मेरे को और बस वन टैप। देखो यहाँ पे जंप करके मेरे को मारने का सोच रहा था जब मैं जोस्टिक पकड़ा था तो, और जैसे ही मेरे को स्टेबल दिखा मैंने जोस्टिक छोड़ के पट से वन टैप यहाँ पे दे दिया। तो आप लोगों को जोस्टिक का परफेक्ट यूज करना सीखना पड़ेगा। और देखो फर्स्ट फायर करवाना मतलब अगर आप लोगों के पास भाई खेलोगे टेक्निक से तो सामने वाले बंदे को कंफ्यूज कर सकते हो, अपे लपाटो का मूवमेंट का भी यूज कर सकते हो फर्स्ट फायर करवाने के लिए, और आप लोग इजीली वन टैप दे सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये मतलब फर्स्ट फायर करने के लिए जैसे ही स्टेबल हुआ मैंने इसको वन टैप दे दिया। तो आप लोग को जोस्टिक का भी यूज करना है, अगर सामने वाला बंदा अच्छा वन टैप मारता है तो आपको जोस्टिक का यूज करना है ताकि उसका अच्छा खासा एक्यूरेसी ना बने आपके ऊपर और आपको तुरंत वो बंदा हेड ना मार पाए, और आप लोग उसको कंफ्यूज करो ताकि वो फर्स्ट फायर करे, तब तक आप लोग तुरंत वन टैप मार दो उसको। जैसे ही वो फर्स्ट फायर करेगा तो थोड़ा देर के लिए स्टेबल रहेगा और बस उसी टाइम पे आपको उसको वन टैप मार देना है। तो ये होता है भाई, आप लोग ये चीज बिल्कुल ध्यान में रख के खेलना होगा। आप लोग बिल्कुल भी ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखते हो भाई, देखो ये बेसिक चीजें होता है, अगर आप लोग ये इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों का वन टैप बिल्कुल इजीली नहीं लगेगा। भले आपका सेटिंग भी अच्छा हो, आप लोग अच्छा खासा रेजिडेंट भी यूज कर रहे हो, तब पर भी नहीं लगेगा मेरे भाई। आप लोग यही डिमांड करते रहते हो कि सेरा भाई कोई बेस्ट सेटिंग बता दो, कोई बढ़िया रेजिडेंट दे दो, लेकिन अगर आप लोग बेसिक सेटिंग को फॉलो नहीं करोगे, बेसिक जो टेक्निक होता है अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों का कोई भी फायदा नहीं होगा रेजिडेंट और सेटिंग से। और बहुत सारे बंदे नहीं फॉलो करते हैं और वो लोग बस यही बोलते हैं कि भाई सेटिंग दे दो रेजिडेंट दे दो, भाई कोई फायदा नहीं होगा तुमको। मैंने जो टेक्निक बताया आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस करना है, और हाँ अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं बेस्ट सेटिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि आप लोग अपना वन टैप के लिए बढ़िया सा सेटिंग खुद से कैसे फाइंड कर सकते हो पीसी में और मोबाइल में, दोनों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को रेजिडेंट और मोबाइल के लिए भाई जो डेवलपर ऑप्शन का एपीके दोनों मिलेगा, तो मोबाइल प्लेयर डेवलपर ऑप्शन का एपीके डाउनलोड कर लो और पीसी प्लेयर जो है वो रेजिडेंट डाउनलोड कर लो। मैं उसके ऊपर टोटल डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाँ, और रेजिडेंट का यूज करना भी बताऊंगा कि हाँ आप लोगों को कौन सा रेजिडेंट कब यूज करना चाहिए, तो टोटल अच्छे से बताऊंगा। और हाँ अगर आप लोगों को डाउनलोड करने ना आए तो डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा वीडियो दिखेगा हाउ टू डाउनलोड फ्रॉम माय लिंक, तो डाउनलोड कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में उसका काम पड़ेगा, इसीलिए मैं सोचा कि पहले ही दे दूं आप लोगों को। और भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जानो तू धिम धिम ना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो